देश में जो विषमताएं हैं उसके बावजूद उन विषमताओं को ओवरकम करके निकल आने के लिए शायद केवल दो जेनरेशन की शिक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि मैं बोलती थी कि इट ओनली टेक्स टू जेनरेशन टू बिकम अ वाइस चांसलर, तो हो सकता है इस तरह की डिटर्मिनेशन यदि हम और भी देख पाएंगे तो 1500 से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो इस देश में है उसमें केवल 4 ST वाइस चांसलर नहीं होंगे। और उस तरह की जो पैटर्न हम लोग देख रहे हैं विषमताओं के पैटर्न को तोड़ने की, तोड़कर निकलना एक बात होती है पर उसके बारे बोलना दूसरी बात होती है, और इस तरह की विषमताओं को चैलेंज को ओवरकम करके निकल आए हुए अपने ज्वलंत उदाहरणों को पढ़ के शायद और भी कहानियों को, कहानी नहीं सच्ची कहानियों को निकलने के लिए और बल मिलेगा। शरद थैंक यू लिखने के लिए, हो सकता है आपके इस आत्मनिवेदन को पढ़ के बहुत लोग अपने उस भय को ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगा आपकी वल्नरेबिलिटी की भय को फेस करके ओवरकम करने के लिए का ये एक्सप्रेशन मेरे लिए था। मुझे याद आ रहा था कि मेरी दादी केवल 4 क्लास पढ़ गई हुई थी और मेरे दादाजी ने क्लास 1 तक पढ़ा था, पर ये मेरी दादी का डिटर्मिनेशन था कि कम से कम उसका उनकी एक संतान जितना चाहे पढ़े। और एक बार बल्कि मेरी दादी ने उनको घर भी नहीं घुसने दिया था जब मेरे पिताजी की छोटी बहन का देहांत हो गया था, और उस समय उनको डांट कर वापस स्कूल भेजा, बोला कि तुम घर भी नहीं घुसो, तुमको स्कूल भेजा गया था, तुम क्यों आए हो। और इसलिए दुखी मन से जो भी कि दुखी थे आए थे, पर वैसे ही वो लौट गए। पर इस तरह का ये जो एक माँ के डिटर्मिंड होने से उनके बच्चों की जिंदगी में जो सक्सेस आता है, मुझे लगता है कि ये और एक एग्जांपल, क्योंकि अभी तक मैं केवल अपनी दादी जी का ये डिटर्मिनेशन का ये की कहानी बोलती थी, पर मुझे ये भी यहाँ एक ज्वलंत एक उदाहरण हम लोग देख रहे हैं।